हाय गाइस, आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विथ 400 MCQs ऑफ चौसर टू शेक्सपियर। आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू 265 अप टू पार्ट 11। दिस इज पार्ट 12। डियर फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन आर वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यदि आप भी इस प्रकार के क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266। नेम द राइटर ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड हु कंप्लीटेड मार्लोज हीरोज एंड लैंडर एंड हु आल्सो कोलाबरेटेड इन ईस्ट वर्ल्ड हो। दीज फोर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए जॉर्ज पीले, ऑप्शन बी थॉमस होप्स, ऑप्शन सी जॉर्ज चैपमैन एंड ऑप्शन डी थॉमस नेस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जॉर्ज चैपमैन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 267। डेकर्स द वंडरफुल ईयर इज अबाउट। ऑप्शन ए 1580, ऑप्शन बी 1603, ऑप्शन सी 1605 एंड ऑप्शन डी 1609। सो द करेक्ट आंसर इज 1603। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 268। गर्ट्रूड वॉज द मदर ऑफ। ऑप्शन ए हैमलेट, ऑप्शन बी क्लोडियस, ऑप्शन सी होरेसियो एंड ऑप्शन डी पोलोनियस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हैमलेट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 269। थॉमस मिडिल्टन द विच इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर्स टू राइट ए प्ले। नेम दैट प्ले। ऑप्शन ए अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन बी द टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी मैकबेथ एंड ऑप्शन डी हैमलेट। सो द करेक्ट आंसर इज मैकबेथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 270। थॉमस मिडिल्टन रोट अ फेयर क्वेरल द वर्ल्ड टॉस्ड एट टेनिस एंड द स्पेनिश जिप्सी विथ अनदर राइटर। नेम दैट राइटर। ऑप्शन ए लॉज, ऑप्शन बी पेले, ऑप्शन सी मर्स्टन एंड ऑप्शन डी रावले। सो द करेक्ट आंसर इज रावले। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 271। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्व्स दैट बी आर अंडरलिंग्स हु स्पोक दीज लाइन्स एंड इन विच प्ले। ऑप्शन ए एंटोनियो इन जूलियस सीजर, ऑप्शन बी कैसियस इन जूलियस सीजर, ऑप्शन सी डेमेट्रस इन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड ऑप्शन डी कास्का इन जूलियस सीजर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कास्का इन जूलियस सीजर। नाउ क्वेश्चन नंबर 272। इन विच शेक्सपियर्स प्ले डू दीज लाइन्स अपीयर। ब्लो ब्लो दाई विंटर विंटर दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इन ग्रेटिट्यूड। ऑप्शन ए किंग लियर, ऑप्शन बी जूलियस सीजर, ऑप्शन सी एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा एंड ऑप्शन डी एज यू लाइक इट। सो द करेक्ट आंसर इज एज यू लाइक इट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 273। नेम द फेमस पेयर ऑफ राइटर्स हु बिकेम पॉपुलर फॉर राइटिंग टुगेदर ज्वाइंटली। ऑप्शन ए जॉनसन एंड चैपमैन, ऑप्शन बी चैपमैन एंड मार्स्टन, ऑप्शन सी बीमाउंट एंड फ्लेचर एंड ऑप्शन डी लिली एंड नेस। सो द करेक्ट आंसर इज बीमाउंट एंड फ्लेचर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 274। हु रोट द ब्लाइंड बैगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया।
ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन ए चैपमैन, ऑप्शन बी होप्स, ऑप्शन सी नेस एंड ऑप्शन डी डेकर। डेकर सो द करेक्ट आंसर इज चैपमैन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 275। द पर्पल आइलैंड वॉज रिटन बाई फ्लेचर एलोन इन, ऑप्शन ए 1633, ऑप्शन बी 1634, ऑप्शन सी 1635 एंड ऑप्शन डी 1636। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1633, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 276। शेक्सपियर रोट डैश सोनेट्स इन टोटल, ऑप्शन ए 134, ऑप्शन बी 144, ऑप्शन सी 154 एंड ऑप्शन डी 164। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 154। नेम द राइटर ऑफ ए वूमैन किल्ड विथ काइंडनेस, नेम द राइटर ऑफ ए वूमैन ऑफ अ वूमैन किल्ड विथ काइंडनेस, ऑप्शन ए थॉमस मिडिल्टन, ऑप्शन बी थॉमस हेबुड, ऑप्शन सी थॉमस नेस एंड ऑप्शन बी थॉमस लॉज। सो ऑप्शन बी थॉमस हेबुड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, दीज क्वेश्चंस आर वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो लिसन दीज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 278। थॉमस डिलोनी इज नोन एज ए, ऑप्शन ए बैलेट डांसर, ऑप्शन बी बैलेट सिंगर, ऑप्शन सी बैलेट प्लेयर एंड ऑप्शन सी बैलेट राइटर। बैलेट राइटर, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैलेट राइटर। बैलेट राइटर यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 278, पैलेट राइटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 279। हु सक्सीडेड ग्रीने एज ए प्रोज राइटर, हु सक्सीडेड ग्रीने एज ए प्रोज राइटर, ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी थॉमस डेकर, ऑप्शन सी लिली एंड ऑप्शन डी नेस। नेस, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थॉमस डेकर। थॉमस डेकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 280। इन ऑल हिज वर्क डेकर पोर्ट्रेज द लाइफ ऑफ, इन ऑल हिज वर्क डेकर पोर्ट्रेज द लाइफ ऑफ, ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी कैंट, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन डी डबलिन। सो द करेक्ट आंसर इज लंदन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 281। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन कोट एंड मोस्टली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मैनी कम्पिटिटिव एग्जाम। कावर डाइज मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, वेयर डज दिस लाइन अकर एंड हु स्पीक इट। किसने कहा है कि अपनी मृत्यु के पहले ही कायर कई बार मर जाते हैं। कावर्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, ऑप्शन ए एंटोनी इन एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, ऑप्शन बी रोमियो इन रोमियो एंड जूलियट, सीजर इन जूलियस सीजर एंड आयागो एंड इन ओथेलो। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सीजर इन जूलियस एंड सीजर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 282। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्ले राइट जॉर्ज पीले वाज आल्सो ए, ऑप्शन ए टीचर, ऑप्शन बी एक्टर, ऑप्शन सी डॉक्टर एंड ऑप्शन डी प्रीस्ट। ऑप्शन डी प्रीस्ट, सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए प्ले राइट जॉर्ज पीले वाज आल्सो एन एक्टर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 283। नेम द राइटर ऑफ ऑल फूल्स, नेम द राइटर ऑफ ऑल फूल्स, ऑप्शन ए थॉमस डेकर, ऑप्शन बी जॉर्ज पीले, ऑप्शन सी थॉमस होप्स
एंड ऑप्शन डी जॉर्ज चैपमैन. सो ऑप्शन डी जॉर्ज चैपमैन इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 284. नेम द वर्क इन विच थॉमस होब्स आर्ग्यूड दैट ह्यूमन सोसाइटी वॉज गवर्न्ड बाय टू इंडिविजुअल कंसर्न्स, फियर ऑफ डेथ एंड डिजायर फॉर पावर. डिजायर फॉर पावर. सो दीज फोर ऑप्शन आर ऑप्शन ए द एलिमेंट ऑफ लॉ, ऑप्शन बी डी कॉर्पोर, ऑप्शन सी लेवियथन एंड ऑप्शन डी डी होमिने. डी होमिने. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लेवियथन इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 285. थॉमस होब्स डोमिनेटेड द 17th सेंचुरी इंग्लैंड बाय हिज. थॉमस होब्स डोमिनेटेड द 17th सेंचुरी इंग्लैंड बाय हिज. ऑप्शन ए साइकोलॉजिकल थ्योरीज, ऑप्शन बी पॉलिटिकल थ्योरीज, ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड ऑप्शन डी फिलोसफिकल थ्योरीज. सो ऑप्शन Which one is the correct answer? Philosophical theories. Option D is the correct answer. Now question number 286. Who tried to give a glimpse of the underworld of London in his The Honest War? Option A Thomas Hobbes, ऑप्शन बी थॉमस डेकर, ऑप्शन सी जॉर्ज चैपमैन एंड ऑप्शन डी जॉर्ज पीले. जॉर्ज पीले. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ 286? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी थॉमस डेकर इज द करेक्ट आंसर. थॉमस डेकर इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 287. व्हेन वाज द ग्लोब थिएटर रीबिल्ट. When was the Globe Theater rebuilt? Option A 1613, Option B 1614, Option C 1615 and Option D 1616. So the correct answer is Globe Theater rebuilt in 1614. Option B is the correct answer. Now question number 288. In which year was King James Bible published? In which year was King James Bible published? Option A 1611, Option B 1612, Option C 1613 and Option D 1614. So the correct answer is 1611, yani ki option A is the correct answer. Now dear friend, this is the second last question of this video. तो यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आए, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके किसी यूज के लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें. क्वेश्चन नंबर 289. शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज सफर विथ ए फ्लॉ इन देयर कैरेक्टर विच ब्रिंग्स अबाउट देयर ट्रेजिक एंड. What is the tragic flaw in Hamlet? Option A, indecision. Option B, greed. Option C, excessive love. And option D, obstinacy. So the correct answer is indecision. Option A is the correct answer. Now this is the last question of dear friends. The first printed collection of Shakespeare's play was brought out by Heming and Condell since they thought that they could keep the memory of a fellow friend alive. What is the first edition called? Option A, William Shakespeare, Option B, Shakespeare's play, Option C, The Great Bard, and Option D, First Folio. So the correct answer is First Folio. Option D is the correct answer. I hope aapko is prakar ke question pasand aaye honge. Thank you for watching this video.